लोकसभा चुनावों का बिगुल बजते ही हर राज्य के अंदर चर्चाओं का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। हर राज्य में लोगों के बीच चर्चा शुरू हो चुकी है कि इस बार दिल्ली के सिंहासन पर किसे बिठाना है, परंतु हिमाचल इस बार कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जब 6 जो विधायक कांग्रेस के होते हैं वो राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं, उन्हें बाद उनको बर्खास्त किया जाता है, उसके बाद फिर से एक बार वो दोबारा लोकसभा के मैदान में तो उतरते ही हैं। साथ के साथ यहाँ विधानसभा का चुनाव भी घोषित कर दिया जाता है उन 6 विधानसभाओं में जहाँ के MLA को बर्खास्त किया गया था। पर लोकसभा के मूड को जानने के लिए हम हमीरपुर के बाजार में पहुँचे हैं और यहाँ हमारे साथ दुकानदार भाई साहब बने हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, इस बार लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आप क्या मानकर चलते हैं कि हमीरपुर की जनता का मूड क्या है, किस सरकार की सत्ता इस बार केंद्र में शासित होगी और हिमाचल के लोग क्या सोच के चल रहे हैं? मोदी सरकार आएगी और ठाकर वाम अपना वोट देंगे। क्या कारण मानते हैं एक बार फिर से आप मोदी सरकार देखना चाहते हैं? लगातार पिछले 10 सालों से मोदी सरकार केंद्र में रही है, कैसे काम को आप उनके पसंद करते हैं या क्या कुछ आप मानकर चलते हैं कि उन्होंने अच्छा किया है? जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। डिफेंस जो है, डिफेंस के बारे में उनका अच्छा ख्याल है, इसलिए हम उनको देखना चाहते हैं। रेलवे के विस्तारीकरण को कैसे देखते हैं हमीरपुर के अंदर? कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं की, ना रेलवे लाइन बनी ना गाड़ी आई। बोलते ही हैं हर इलेक्शन में कि आएगी जी आएगी, आज सब कुछ नहीं है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। हाँ, सांसद जो आपके हमीरपुर से हैं उनके काम को कैसा देखते हैं आप? क्या है, वो भी ये तसल्ली देते हैं कि आ रही है गाड़ी, आ रही है रेलवे लाइन, कुछ नहीं आता है। अनुराग ठाकर हैं, अब चौथी बार बढ़ने वाले, कुछ नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। डेवलपमेंट से खुश नहीं है, पर दोबारा मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मोदी की सरकार, क्योंकि डिफेंस ठीक है, डिफेंस ठीक, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और सुरेंद्र कुमार जी इन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूँ यहाँ के जो विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, उनके दल बदलने की नीति को आप कैसे देखते हैं? वो नहीं है ठीक, वो उनको नहीं, वो जो देंगा वो बेवकूफ़ी है। वो जो CM है उसके ये पक्ष में जाना है लोगों ने, सुखू जी के। हाँ ठीक है, स्टेट में सरकार बचा लेंगे सुखू जी? बिल्कुल पक्का, लोगों का है, लोगों ने वोट देना है, लेकिन लोगों का यही इरादा है कि नहीं, हमने नहीं, सरकार जो है वो चली हुई थी उसको इन्होंने बिलावजह खराब की, क्योंकि CM मीरपुर के थे तो इनको पहले भी मतलब धूमल जी से, तो उनको खराब किया इस राणा ने इन्हें, अब वो राणा जो है वो उनके पैर छू रहा है, ये अच्छा ठीक नहीं है काम।